Good afternoon, dear students. I need a louder good afternoon. Come on, quick. That's better. I'm very upset that many of y'all were absent yesterday. That is not a good thing. Yes, y'all are not being regular. That's not a good thing, no? Yes? Okay. I'm about to finish the chapter which is report writing. Yes, now, मैंने जैसे आपको बोला था कि actually मैंने paper के articles not now. तुम आके इधर कर दो. I don't know the switches. Okay. डू इट नाउ. मैंने आपको जैसे एक्चुअली बोला था कि टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी पेपर में जैसे आर्टिकल्स होंगे मैं आपको एक्चुअली दिखाऊंगी कि कैसे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं. सो यू गेट एन आइडिया. ओके डन. ऑलराइट हियर स्टूडेंट्स. सो वी आर नाउ ऑन रिपोर्ट राइटिंग. लेट्स गेट स्ट्रेट टू द रिपोर्ट राइटिंग. एक ही रिपोर्ट पढ़ना हमारा बचा है. सो हम पढ़ के लेते हैं पहले उसको. ये रिपोर्ट गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट. हमें क्या पढ़ना है? गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट. तो ये जैसे ही खत्म हो जाता है मैं एक्सरसाइजेस पढ़ के टॉपिक्स बताऊंगी. मैंने रफली आपके टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन में आते हैं वही एक्चुअल न्यूज़पेपर के रिपोर्ट्स लाए हैं. तो हम एक्चुअली उसको देख सकते हैं कि इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग होता है न्यूज़पेपर्स में. राइट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गंगा रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट. टू हुम दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू? मिस्टर सुनील गुप्ता द जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट. यस सो यू हैव अ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस. बरोबर. हाँ तो बीच बीच में ऐसे मैंने पूछा और आपने जवाब दिया तो मुझे ऐसे पता चलता है कि ध्यान है. सुन रहे बच्चे इधर ध्यान है. हाँ नाउ द रिपोर्ट इज फ्रॉम मिस्टर नीलेश उपाध्याय रिसर्च ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट. डेट इज 15 अप्रैल 2017. सब्जेक्ट क्लीनिंग गंगा रिवर. एक्नॉलेजमेंट्स. I am deeply grateful to all the people who extended their invaluable help and support in the research and writing the report. I wish to specially thank Mr. Sushil Dhar, Mr. Premnath Singh, Mr. Rajiv Kumar and Pramod Bansal. कंटेंट्स क्योंकि रिपोर्ट लगता है काफ़ी बड़ा. ऑफकोर्स आपको ये काफ़ी छोटा रिपोर्ट दिया गया है. बहुत बार ये जब ऐसे फॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं बहुत लेंदी होते हैं एंड रन इन टू पेजेस एंड पेजेस. सो दिस इज क्वाइट स्मॉल. ओके कंपेयर टू एक्चुअल फॉर्मल रिपोर्ट. तो उन्होंने क्या दिया है कंटेंट्स में जरा पढ़ो क्या क्या है. पहला कंटेंट क्या है? इंट्रोडक्शन. दूसरा कॉजेस. तीसरा इफेक्ट्स. फोर्थ सॉल्यूशन. फिफ्थ कंक्लूजन्स. एंड सिक्स व्हाट इज बिब्लियोग्राफी. लिस्ट ऑफ बुक्स. यस सो इट इज द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट यू हैव रेफर्ड टू. सो राइट डाउन देयर. बिब्लियोग्राफी मीन्स लिस्ट ऑफ बुक्स रेफर्ड टू. लिस्ट ऑफ बुक्स तो ये आपने रिपोर्ट बनाते वक्त कौन से बुक्स रेफर किए ये उसका लिस्ट दिया जाता है यहां पे. करेक्ट ना? हाँ नाउ स्टूडेंट्स लिसन. अगर मतलब सुनो आपको कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा. न्यूज़पेपर रिपोर्ट आया तो मैंने आपको बोला था टाइटल ऑथर क्या पॉइंट्स थे बोलो जल्दी जल्दी. टाइटल ऑथर प्लेस डेट और अपोस्ट्रोफी में लिखना जरूरी है. और वो छोड़ के जैसे अगर मैगजीन वाला आया तो अपोस्ट्रोफी वाला पार्ट नहीं है. उसके बाद मैगजीन वाले में कभी कभी डेट हो सकता है कभी कभी डेट नहीं हो सकता. आप लिखना प्रेफर कर सकते हो. यू कैन ऑलवेज राइट. फॉर्मल रिपोर्ट जो दोगे चेंज होगा. फाइनेंशियल रिपोर्ट है तो थोड़ा अलग आएगा. फाइनेंशियल होगा तो मैंने बोला दो कॉलम देना जरूरी है. इस टाइप का रिपोर्ट आएगा तो एक कंटेंट्स दे देना. कॉजेज क्या है तो कंटेंट्स भी एक याद रखना. अगर इंडेक्स काइंड ऑफ बनाना कि इस रिपोर्ट में एग्जैक्टली क्या क्या है. ये पेज पे सॉल्यूशंस है कॉजेज है इफेक्ट्स है. सो एवरीथिंग यू हैव टू गिव लाइक अ इंडेक्स फॉर्म ऑल्सो कंटेंट्स. आर नेशनल रिवर गंगा रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड डिनाइंग वास्ट पॉपुलेशन ऑफ द राइट्स टू क्लीन वाटर. द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद पोल्यूशन ऑफ गंगा आर न्यूमरस. इट हैज मल्टीपल कॉजेज रिलेटेड टू द इशू. द कंटेमिनेशन ऑफ द वाटर इफेक्ट्स ह्यूमन फ्लोरा एंड फोना. मतलब झाड़ पौधे और यू नो
animals and plants basically. Yes, the environment as well as the ecology of areas along the river. How ecology is जैसे बायोलॉजी होता है वैसे यू हैव इकोलॉजी. इकोलॉजी इज ऑर्गन्स ऑर्गेनिजम्स लिविंग और उनका नेचर के साथ एनवायरनमेंट. यस इंटरैक्शन विद द एनवायरनमेंट विद ईच अदर. कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उनका खुद ऑर्गेनिजम्स के साथ एनिमल्स का खुद के साथ इंटरैक्शन या एनवायरनमेंट के साथ दैट्स इकोलॉजी. हाउएवर देयर आर सॉल्यूशंस एंड रेमेडीज. ये रेमेडीज का मतलब क्या है? सॉल्यूशन ही. Yes, so there are solutions and remedies which can be implemented to save the dying river. Okay. Introduction. The river Ganga is often referred to as the dying. The river Ganga is often referred to as the dying river due to its continuing pollution for decades. This report attempts to state the current situation and the damage the environment and ecosystem being caused by the pollution of the river. Several solutions to clean the river have been suggested to restore the river to its pristine state. I want the meaning of pristine state. I want the dictionary meaning of the word pristine. Come on. Phone nikalo, Google assistant se help mango aur bata do. Extremely fresh and clean, as if new, in a very good condition. Extremely fresh and clean. So extremely fresh and clean as if it is new. Correct? Clean. Causes. Over exploitation. Exploitation of Ganga's river have rendered long stretches of the river completely dry for much of the year. Almost 80% of its water is diverted for agri purposes. Dumping of sewage waste accounts for 80% of the pollution in Ganga river. Industrial waste bhi hota hai. Toxic industrial effluents dumped into the river account for 20% of the pollution. So 80% sewage waste hai, 20% industrial waste hai. Industrial waste ka solution nikala ja sakta hai. Industries aur ye jo hoti hai to unka jo water river mein join hota hai uske pehle you can have these plants jahan pe water ka cleaning ho sakta hai. Toxics mix chemicals hote hai na usme. Wahi chemical agar nadi mein jayenge to pura nadi ko aap contaminate kar rahe ho. Uske bahut side effects honge. तो फिर बेटर है कि आप उसका पहले प्रोसेसेस करो क्लीनिंग करो एंड देन द वाटर गोज इनटू द रिवर. ओके सॉल्यूशंस में आ ही जाएगा वो देखेंगे हम लोग. यस प्लीज. दिस इज नॉट पेपर. दिस इज नॉट न्यूज़पेपर. दिस इज फॉर्मल. अगर फॉर्मल पूछी तो लिखनी पड़ेगी बड़ी. सो यस फॉर्मल नॉर्मली लेंदी होती है. नॉर्मली उसका सवाल है कि एग्जाम में इतनी बड़ी आई तो लिखनी पड़ेगी क्या. फॉर्मल होती है तो लंबी होती है. नॉर्मली एग्जाम में आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन रिपोर्ट ही पूछी जाती है. ओके एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन. वाटर इंटेंसिव फार्मिंग एंड रन आउट फ्रॉम इनऑर्गेनिक फार्म्स. एग्रीकल्चर भी कहाँ आजकल बिना पॉल्यूशन के है. द पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स एंड एवरीथिंग दैट इज यूज आर फुल ऑफ केमिकल्स. हम तो एक ही बार वो केमिकल्स यूज कर देते बट जो वाटर होता है उसमें वाटर जो ड्रेन होकर बाहर वापस आता है दैट इज ऑल्सो कैन फुल ऑफ केमिकल्स. डेंजरस केमिकल्स हैव गिवन लाइक डीडीटी एचडीएच एड टू द पॉल्यूशन. डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. Tons of plastic, polythene, images of gods, other trash are thrown into the Ganga River, choking her waters and blocking existing sewerage systems. Right? Harvesting electricity. The varied dams built along Ganga have affected her flow, thus affecting the ecology of the river. Already the river is dying. There's not much water. It's dry, and plus we are diverting it for agriculture. Then there are dams built over it. जैसे dams के यहाँ पानी store होता है, वही water use किया जाता है इले hydroelectricity generation के लिए. So many many dams across the rivers, dams के वहाँ पे hydroelectricity होती है. Of course we don't waste water. Dams से वैसे भी पानी छोड़ना ही होता है. रिवर्स में जाके जैसे लोग यूज़ कर पाएँ तो उसी टाइम फोर्स से छोड़ा जाता है जैसे कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो जाए और फिर वो पानी यूज़ भी किया जाए. मल्टीपर्पज़ होता है बट अगेन वी आर डाइवर्टिंग इट ना. रिवर का पानी तो हमने डाइवर्ट कर ही दिया. इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन.
Deforestation, encroachment, tourism, and other human activities are damaging the fragile ecosystems the Ganga River supports. Effects denge, disease ho sakte hai. So drinking polluted water can cause cholera, typhoid, diarrhea. It affects body organs. Consumption of highly contaminated water can cause injury to the hearts and kidneys long term. हम एक हाथ बार जाके वहाँ का पानी पियेंगे तो इतना नहीं होगा, बट जो लोग कॉन्स्टेंटली वहीं रहते हैं और वहाँ का ही पानी पीते हैं, देन दे आर डेफिनेटली गोइंग टू हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, ओके, हेल्थ इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स होने वाले. हार्म्स द फूड चेन. टॉक्सिन्स विद इन द वाटर कैन हार्म एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, दस ब्रेकिंग द लिंक इन द फूड चेन. देयर इज अ फूड चेन, नो, यू नो, यू लाइक यू हैव दोज, या यू हैव स्टडीड, नो, रैबिट है, फिर आपने फूड चेन ड्रॉ किया होगा ना यार, कमान स्कूल में, रैबिट को खाने वाला, नो, यू हैव वाइल्ड एनिमल्स एंड देन वाइल्ड एनिमल्स को हंटिंग किया जाता है. सो लाइक दिस इज अ फूड चेन. प्लांट से स्टार्ट होता है, डियर इज ईटिंग द ग्रास और द, यू नो, प्लांट्स, एंड देन द वाइल्ड एनिमल्स ईटिंग हिम, एंड देन समबडी हंटिंग देम और दीज बीइंग किल्ड. सो ये जो फूड चेन होता है, आप इसको बीच में अगर इंटरफियर करते हो तो यू आर हार्मिंग इट. लाइक फिश की अगर लाइफ कम हो जाए, देर आर रिवर में भी क्रोकोडाइल है और कुछ एनिमल्स है हु आर, यू नो, इट इज देयर फूड. इफ दे डोंट गेट फूड देयर, देन दे आर गोना गो आउट समवेयर एंड ट्राई एंड डू सम डिस्ट्रक्शंस. सो इसलिए वो फूड चेन आपने ब्रेक नहीं करना चाहिए, लेकिन हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है यहाँ पे. कॉजेज एल्गे इन वाटर. वेस्ट मैटर कॉजेज एल्गे टू in a water source, bacteria feed out, decreasing the amount of oxygen in the water. Again, जो organisms river में या पानी में रहते हैं उनके लिए ये harmful है. Flooding, कभी कभी बहुत rain आने की वजह से soil erosion हो जाता है, पूरा का पूरा flooding हो जाता है, पूरा का पूरा soil भी उस flow में बहता हुआ जाता है, तो soil erosion अच्छी बात नहीं है. Harms animals also, animals who drink this water, they are also going to get harmed by this. Effects of water pollution are not always immediate. However, water pollution has a huge impact on our life. With the knowledge, consideration and preparation, water pollution can be decreased. So there are certain solutions. So let's read steps. So kya solutions hai? Take steps to conserve oil, soil. Take steps to conserve soil. It results in conserving water and water life. आपने देखा होगा ना, सॉइल इरोजन हो जाता है जब बहुत एवरीथिंग फ्रॉम दैट, ट्रीज ऑल्सो विल नॉट बी एबल टू स्टैंड, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो भी बह जाएंगी. तो दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड सॉइल इरोजन बाय कंजर्विंग दैट सॉइल. ओके, इट रिजल्ट्स इन कंजर्विंग वाटर, वाटर लाइफ. प्लांटिंग वेजिटेटिव कवर्स, स्ट्रिक्ट इरोजन मैनेजमेंट. सो बेसिकली सॉइल का इरोजन अवॉइड करो. रिस्टोर इकोलॉजिकल फ्लोज At every point along Ganga's course, मतलब कहीं पर ज़्यादा पानी divert हो रहा है तो थोड़ा कम divert करो. So get the flow of the river back to its normal flow. Prevent and curtail all waste water. Install sewage and effluent treatment plants. So effluent treatment plants मतलब ये chemicals जो mix हुए उनकी treatment की जाएगी और फिर थोड़ा अच्छा पानी जो होगा, not intoxicated water but a better water version of water will go into the rivers. Promote massive water conservation. Water conservation to students is extremely important. Please do that and follow it. Very important it is, right? रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो इज अ मस्ट, एवरीबडी हैज़ टू डू दैट. यू हैव टू कंजर्व वाटर. जो चेन्नई में हुआ था, सून इट मे हैपन टू इन एनी ऑफ द सिटीज. ओके, इन्वॉल्व द स्टेक होल्डर्स इन ऑल द वेज टू क्लीन द रिवर. जैसे कहीं हाइड्रो प्लांट लगा हुआ है, एग्रीकल्चर में डाइवर्ट हो रहा है, तो हर एक पर्सन को बोलो तुम भी कॉन्ट्रीब्यूट करो इन क्लीनिंग. यू वॉन्ट द वॉटर ऑफ द रिवर, प्लीज हेल्प अस टू कॉन्ट्रीब्यूट. इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, यू कॉन्ट्रीब्यूट इन द क्लीनिंग. आप एफ्लुएंट प्लांट्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा के दे दो, यू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, गवर्नमेंट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट. सो एवरीबडी विल डू इट ओनली देन. सिर्फ ये बोलने से कि गवर्नमेंट क्या कर रही है और गवर्नमेंट ने करना चाहिए, उससे बात नहीं बनती है. व्हेन ऑल ऑफ अस टुगेदर डिसाइड दैट यस वी नीड टू टेक दिस अप, ओनली देन इट इज गोइंग टू हैपन. स्टार्ट मास अवेयरनेस, इंप्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स दैट कनेक्ट स्टेट्स, लोकल बॉडीज, एड्रेसिंग द चैलेंजेस, एनकरेजिंग ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स.
स्टार्ट मास अवेयरनेस, तो लोगों में अवेयरनेस लाओ कि पोल्यूशन स्टॉप करो, नदी में आप वो भगवान की मूर्ति, मतलब कभी फोटोग्राफ्स होते हैं हमें लगता है डस्टबिन में नहीं डाल सकते तो पानी में डालो, बट यू आर पोल्यूटिंग दैट रिवर नो. जैसे हम कभी फूल होते हैं और जो भी होते हैं हम सोचते हैं कि नहीं हम वो डस्टबिन में नहीं नदी में डालेंगे. डोंट डू दैट. नाउ मेनी प्लेसेस लाइक जो पूना में है बालगंधर, उसके यहाँ पे ये सब डालने के लिए एक अलग से बिन रखा हुआ होता है. देन से दे से पुट इट हियर, डोंट थ्रो इट इन द रिवर. फाइनली व्हाट आर वी डूइंग, यू आर पोल्यूटिंग द रिवर. समबडी हैज टू क्लीन इट एंड टेक इट ऑफ, यू नो. सो लेट्स नॉट डू दैट. क्लीनिंग गंगा रिवर इज फिजिबल एंड अ पॉसिबल प्रोजेक्ट. फिजिबल मतलब वर्केबल हो सकता है, डुएबल है, पॉसिबल है, फिजिबल है. फिजिबल एंड अ पॉसिबल प्रोजेक्ट. अगर मैं फिजिबल फाइनेंशियल टर्म्स में बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट वायबल है, फिजिबल है, मतलब प्रॉफिटेबल है, अफोर्डेबल है, हम ब्रेक इवन निकालते हैं, कितना कैपिटल इन्वेस्ट है, कितना रिटर्न्स है. आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटर में ये सीखोगे. हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करते हैं, सो यू विल लर्न ऑल दैट. It requires strict implementation of policies formulated by government, involvement of all stakeholders and general population at every level. अकेले का काम नहीं है ये. गवर्नमेंट अकेले से नहीं कर सकती. लोगों की मेंटालिटी, लोगों का सोच कि प्लास्टिक फेंकना, प्लास्टिक नहीं यूज़ करना, अरे चल जाता है ना. नो, यू हैव टू कैरी योर ओन बैग्स व्हेन यू गो एंड अवॉइड दैट प्लास्टिक टोटली. अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी यू नो अ वेरी वेरी हार्ड टाइम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टू कम. ओके. बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस, दीज आर द बुक्स, लिस्ट ऑफ बुक्स. नॉर्मली जब आप एस टाइप का रिपोर्ट देते हो और बुक्स रेफर करते हो, आपने बुक्स की लिस्ट देनी चाहिए. आपको इस टाइप ऑफकोर्स चांसेस कम होते हैं फॉर्मल रिपोर्ट्स के पूछे जाने के. मोस्टली आपको कौन से टाइप के रिपोर्ट्स पूछी जाएंगी? न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. न्यूज़पेपर और मैगजीन, राइट. अब मैं आपसे कुछ आर्टिकल्स रिपोर्ट्स हैं वो पढ़वा के लेती हूँ, फिर नोटबुक में आपसे रिपोर्ट मेकिंग के स्टेप्स, तीन फॉर्मेट हम लोग एक नॉन लीनियर नोट मेकिंग, एक चार्ट बना लेंगे, माइंड मैपिंग काइंड ऑफ कर लेंगे या ट्री डायग्राम बना लेंगे. ओके, देन दैट विल बी द एंड ऑफ द चैप्टर. ठीक है. फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा लेटर राइटिंग, बट आज अभी थोड़ा टाइम लगेगा ये सब करने में. क्या रे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ए लेटर राइटिंग या मेल में तुम लोग क्या लिखोगे? लेटर्स लिखोगे एसपीसी की ऑफिस को कि मेल लिखोगे? मेरी ऑफिस भेजोगे? मॉडल कॉलोनी पोस्ट करोगे? पोस्ट नहीं करोगे? देयर इज फन गेटिंग अ लेटर बाय पोस्ट. हाउ मेनी इयर्स नाउ नोबडी सेंड मी लेटर्स, सो एटलीस्ट यू ऑल सेंड लेटर्स. नाउडेज एवरीथिंग इज ओनली ऑन मेल, नो रिटन कम्युनिकेशन. यू डू, हैव यू एवर डन इट इन योर चाइल्डहुड? I have done it because we didn't have. I got a mobile phone as a gift for clearing my CA exam. So becoming a chartered accountant was the time that I got a gift as a phone that time. So we didn't have mobile. तो अभी आपको बहुत पहले से ही मिल जाते हैं. आपको क्या? My son also is in 5th standard. He also has a phone. So I have also given him a mobile. So ऐसा नहीं है कि the times have changed. That's the reason why everybody. So no written communication. But I want you to write letters. So what can we do? Letter writing में हम कुछ आप किसी के फीडबैक दोगे टीचर्स का, तो वील हैव सम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स राइटिंग अ लेटर. डू अ जॉइंट एफर्ट इफ यू वांट. सो वील हैव सम फीडबैक्स दैट यू गिव ऑन द लेटर्स. मैं चेक करूंगी पहले एक बार आपका ग्रामर इंग्लिश वगैरह ठीक है ना, नहीं तो डायरेक्टली लेटर पहुंच गया और फिर मैंने कहा अरे ऐसा बहुत ही तुम्हारी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए ग्रामेटिकल. नहीं करोगे ना क्या? हाँ ठीक है, प्रैक्टिस. सामने वाला बताता है, एग्जाम में बताने वाला है सामने वाला. मन के लेटर लिखोगे ना तो मन के मार्क्स नहीं मिलेंगे तुमको. ये अकेली अपना मन का लेटर लिखेगी, बाकी के बच्चे जो मैं बोलूंगी वो लिखेंगे. ठीक है, कुछ एग्जामिनर को पोस्ट नहीं करेगी, एग्जाम में लिखेगी. लेकिन कुछ भी बोल रही है ये लड़की. हाँ चलो लेट्स गो अहेड. हाँ, मैं नहीं लिखूंगी किसी को भी लेटर, मैं आपके लेटर पढ़ूंगी सिर्फ. ठीक है. हाँ क्या बोल रहे हैं?
I'll give you my office address, or you can post it or give it at the SPC office if you don't want to post it, or post it at my office address. Okay, my office is in Model Colony. Tum log waise kaun se hostel mein rehte? You all live around here? Yeah. Pass mein. Everybody around Prestige Point only. Achha. Theek hai. Practice questions. Your institute, Global Business School, has organized a seminar. Okay? Aap kisi institute mein... Ayyo, baat mat karo. Your institute ka naam dekho kya diya hai? Global Business School organized a seminar. Kaun se topic pe organize kiya hai? On profitable business practices in the next decade. Ayyo, what is decade? So profitable business practices that you need to have over the next decades. Write a report on the seminar. So seminar kaisa hua, us pe report dena hai aapko. So this report is going to be published in a monthly newsletter. Matlab kaun sa format use karoge? कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे? क्या दिखा रहा है तू मुझे? क्या दिखा रहा है वो? क्या है? क्या वहां से मुझे दिख रहा है? क्या ऐसे से वहां से दिखा रहा है? कब से क्या है वो तो बता. क्या है? क्या कौन सा लेटर है वो? यहाँ से मैं तेरे को दिखाऊंगी, तेरे को समझेगा क्या? मैं यहाँ से देखो दिखाऊंगी, देखो पढ़ने तो भी आ रहा है क्या मेरे को? बोल रहा है ये फॉर्मेट सही है क्या? उधर से देखूंगी क्या मैं? हाँ हाँ, चलो चलो, टाइम पास नहीं करेंगे. हाँ, बाद में बता दे, ठीक है. ओके, वी आर बैक टू आर रिपोर्ट राइटिंग. सुनो सुनो, ए मुझे बताओ, रिपोर्ट राइटिंग के कितने फॉर्मेट्स है? पहला न्यूज़पेपर, दूसरा मैगजीन, तीसरा फॉर्मल. ये कौन सा होगा फॉर्मेट? न्यूज़पेपर में नहीं है. पढ़ना किधर पब्लिश होने वाला है? न्यूज़लेटर में जाने वाला है. मतलब ये मैगजीन वाला फॉर्मेट होगा. न्यूज़पेपर में बोला क्या? नहीं. ये कौन सा फॉर्मेट होगा? मैगजीन. योर इंस्टीट्यूट ग्लोबल बिजनेस स्कूल ऑर्गेनाइज अ सेमिनार. Seminar was on profitable business practices in the next decade. Write a report on a seminar. आपको रिपोर्ट किस पे लिखना है? सेमिनार पे. और ये कहाँ पब्लिश किया जाएगा? आपके न्यूज़लेटर में. मतलब एक मैगजीन का फॉर्मेट ही. मैगजीन के फॉर्मेट के लिए क्या होगा? टाइटल, ऑथर, प्लेस, डेट. प्लेस, डेट. नाउ नॉर्मली इफ आई एम पब्लिशिंग इट इन द एनुअल न्यूज लेटर, अगर आ रहा है तो एक आध बार हम डेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि न्यूज लेटर की पहले बिगनिंग पे डेट वगैरह आ जाएगा. मंथली न्यूज लेटर है तो जनवरी एडिशन है, ऐसे लिखा हुआ ही होता है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो डेट. और अपोस्ट्रोफी यूज करना है क्या? कोट्स यूज करने के यहाँ पे? नहीं. वो कहाँ यूज करना है? न्यूज पेपर. ओके, नाउ वॉट दे हैव डन, दे हैव नॉट गिवन अस अ डायरेक्ट आंसर, बट दे हैव गिवन अस अ पॉइंट्स, कि ये पॉइंट्स है, आप इस पॉइंट्स को यूज करके रिपोर्ट बना सकते हो. क्या ऐसे पॉइंट्स एग्जाम में मिलेंगे आपको? नहीं. बिल्कुल नहीं मिलेंगे. ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बताया गया है. ओके, नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स? रीड दिस पॉइंट्स 1 to 12 एंड देन आई विल डिस्कस विद यू विदाउट टॉकिंग. नोबडी इज डिस्टर्बिंग एंड यू आर रीडिंग पॉइंट्स नंबर 1 to 12. बी क्विक. और एक रीडिंग सफिशिएंट होता है क्या? No, दो बार पढ़ने का.
रीड। ठीक है ना तुम्हारा, 2 बजे इनको इफेक्ट कैसे, क्या खाना ही खाया ना, क्या खा के आए रे? तुम कितने दिन एब्सेंट थे? कल नहीं था, उस दिन भी नहीं था, 2 लेक्चर मिस किए तूने पूरे, 2-3। और तेरा दोस्त किधर है? तुम्हारा गांव मतलब क्या है, क्या कुछ क्या है क्या? जिसको भी पूछो गांव गया, जिसको भी पूछो गांव गया है। नाइस, वेरी नाइस। ओके लिसन, अच्छा सुनो, कितनी बार पढ़ लिया आपने? कम ऑन क्विकली, सबने पढ़ लिया क्या? अब मुझे बताओ एक चीज, सेमिनार में यहाँ इन्होंने क्या दिया, कितने स्पीकर्स थे? 5। आपने 5 से ऊपर तो लेना नहीं है, आप 5 लोगे तो आपको 5 स्पीकर के नाम, उनका डिजिग्नेशन भी देना पड़ेगा कि ये कहीं बैंक में मैनेजर थे या किसी आईटी कंपनी के डायरेक्टर है, और ही हैज़ सो मेनी पेटेंट्स रजिस्टर्ड इन हिज नेम, सो यू नो थोड़ा सा स्पीकर के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर उनके टॉपिक्स के बारे में बात करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर यू हैव ओनली 3 स्पीकर्स। एग्जाम में अगर लिखना है तो 5 से ऊपर तो लिखना ही नहीं है, 3 से 4 स्पीकर्स है काफ़ी हो गया, 5 स्पीकर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ हमने तो पहले डिसाइड कर लिया था इसका कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे, मैगजीन, करेक्ट? हाँ, न्यूज लेटर में, तो न्यूज़पेपर में दे रहा है क्या तू ये रिपोर्ट? कहाँ पे प्रिंट होने वाला है ये रिपोर्ट? क्वेश्चन में क्या दिया है देख, न्यूज लेटर में प्रिंट होने वाला दिया है ना, हमने अंडरलाइन भी किया रे, तू किधर थी, मैंने सर्कल किया है न्यूज लेटर, तो क्या रहता है न्यूज लेटर? हाँ, दिस इज एनीथिंग लाइक क्लास, स्कूल का न्यूज लेटर आता है हर महीने का होगा आपको, जो जर्नल्स आते हैं सी ए इंस्टीट्यूट से, स्टूडेंट जर्नल, व्हाट इज दैट, दैट्स अ मैगजीन, अ न्यूज लेटर, इट्स नॉट अ न्यूज पेपर, इट्स अ मैगजीन और अ न्यूज, नो नॉट अ प्रॉस्पेक्टस, नहीं, प्रॉस्पेक्टस इज ओनली अबाउट टॉकिंग, अगर आप एसपीसी का प्रॉस्पेक्टस लोगे देन इट विल ओनली टॉक अबाउट एसपीसी, उसकी फैकल्टीज, उनके क्लासेस सेंटर्स, नहीं न्यूज लेटर में आर्टिकल्स वगैरह लिखे जाते हैं, स्टूडेंट्स आर्टिकल्स देते हैं, प्रॉस्पेक्टस अलग होता है और न्यूज लेटर अलग होता है, एन आर्टिकल लाइक दिस डजंट कम इन प्रॉस्पेक्टस, प्रॉस्पेक्टस टॉक्स अबाउट द इंस्टीट्यूट, उनका प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के लिए प्रिंट किया जाता है, दैट इज अ प्रॉस्पेक्टस। ओके लिसन, मेंशन द टॉपिक, वेन्यू एंड नंबर ऑफ स्पीकर्स, स्पेसिफाई द डेजिग्नेशन ऑफ द स्पीकर्स, स्टेट द डेजिग्नेटेड ऑडियंस, तो ऑडियंस कौन थे, सेमिनार इस पर था तो मैनी मैनी स्टूडेंट्स, लाइक अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स, अलग अलग जगह से बाकी के इंस्टीट्यूट से भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, दे वॉन्टेड टू नो, सम बिजनेस मैन ऑल्सो अटेंडेड, सो वी कंडक्टेड अ सेमिनार, इट वॉज अ सक्सेस, इतने पार्टिसिपेंट्स थे, स्पीकर्स 3 स्पीकर्स थे, उनका डेजिग्नेशन क्या था एंड हर एक ने क्या क्या टॉपिक पे बात किया, सो गिव सिनॉप्सिस ऑफ ईच स्पीकर्स कंटेंट, तो यहाँ पे सिनॉप्सिस मतलब थोड़ा सा समरी, सिनॉप्सिस का मतलब होता है समरी, सो यू हैव टू गिव समरी अबाउट ईच स्पीकर। स्पीकर 1, व्हाट डिड ही हाईलाइट? 1 हाईलाइट्स द नीड फॉर रिमोट ऑफिसेस। नाउ व्हाट आर रिमोट ऑफिसेस? आजकल ये होता है ना को वर्किंग स्पेसेस होते हैं, या सुनो ध्यान से देखना, आपको लॉजिस्टिक्स मैनेज करने होते हैं कभी कभी, या ओवरहेड्स का खर्चा कम चाहिए, नाउअडेज एवरीथिंग इज अबाउट डिजिटल, यू नो, और देयर इज अ कंपनी हियर इन पुणे which is into giving loans, it's NBFC, banks give loan, you also have non-banking finance companies, NBFC is a non-banking
फाइनेंस कंपनी, इज अ फाइनेंस कंपनी बट इट्स नॉट अ बैंक. सो यू फॉर्म दीज कंपनीज, कंपनी एक्ट में ये एक टाइप का कंपनी होता है. आप मे बी इंटर में सीखोगे लॉ में, कंपनी एक्ट जब पढ़ोगे तो इसे फॉर्म करते वक्त अलग कुछ रूल्स होते हैं, वो फॉर्म किया जाता है आरबीआई का अप्रूवल लेके, कुछ अलग अलग कंप्लायंसेस होते हैं हम फॉर्म करते हैं. इट्स अ फाइनेंस कंपनी बट इट्स नॉट अ बैंक. सो एनबीएफसी, एनबीएफसीज इज द इन थिंग राइट नाउ. सो अभी मार्केट में वी हैव एन नंबर ऑफ एनबीएफसीज. सो एनबीएफसीज सपोज पूना में एक एनबीएफसी का ऑफिस है, दे वॉन्ट, आजकल तो ऐप होते हैं, सॉफ्टवेयर होता है, किसी को लोन चाहिए, आपको अप्रूवल चाहिए, तो आप जस्ट सॉफ्टवेयर पे आपके सैलरी स्लिप स्कैन करके अपलोड कर दो. जैसे अभी आपने कल टेस्ट दिया तो आपने क्या किया, यू जस्ट नाउ इफ आनंद सर स्टूडेंट्स आर वर्चुअल स्टूडेंट्स आर फाउंडेशन स्टूडेंट्स आर लिसनिंग सिटिंग इन सम अदर ब्रांच सम अदर सिटी, वहाँ से भी ये अपलोड करेंगे और सब जगह से स्कैनिंग होके टेस्ट चेक किया जाएगा. सो दिस इज व्हाट हैपेंस. तो पूना में ऑफिस है तो अगर मुझे बैंगलोर का क्लाइंट चाहिए तो मुझे फिर से बैंगलोर में ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है. आई कैन जस्ट हैव को वर्किंग स्पेस. आजकल तो को ऑफिस अगर आप आते जाते देखते हो, ऑफकोर्स आप लोग ज़्यादा इस एरिया को छोड़ के बाहर जाते नहीं हो, तो फॉर यू पूना इज ओनली दिस मच रेस्ट्रिक्टेड पार्ट. सो इट्स प्रेस्टीज एंड इन एंड अराउंड प्रेस्टीज ओनली, देयर इज मच मोर टू पूना सिटी. एंड सो यू हैव दिस को वर्किंग ऑफिसेज होती है, बहुत सारी है जहाँ पे लिखा हुआ था को वर्किंग. सो दे गिव यू अ कॉमन कॉन्फ्रेंस रूम होता है, एक ऑफिस स्टाफ हर एक को दिया जाता है, यू गेट अ डेस्क, आपको इतनी स्पेस मिलती है, आई डोंट हैव टू पे रेंट फॉर द एंटायर ऑफिस. एक हाथ बार क्लाइंट मीटिंग होगी तो कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं, तो आप बुक कर सकते हो कि दिस ट्यूजडे आई वॉन्ट द कॉन्फ्रेंस रूम फॉर एन आर, देन इट इज बुक्ड. So that one hour nobody else can take it. Then other person is who's sharing that office may have a meeting on Wednesday. इससे मेरा खर्चा भी कम होता है. तो like मेरा अगर NBFC पूना में है, I can have an office in Bangalore. I can have a sales person in Bangalore. Sales person को वैसे भी ऑफिस नहीं लगता है, they keep on traveling, they keep on calling people, meeting them, sales के लिए उनको convince करना. तो I can just have a remote office. मतलब पूना में रह के छोटा सा एक बैंगलोर में ऑफिस रख के भी हमारा काम हो जाता है, मुझे बार बार बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है. डिजिटली आजकल वी आर सो प्रोग्रेस, कैन आई कैन हैव अ वीडियो कॉल, आई कैन हैव अ फेस टू फेस कॉल विद अ एम्प्लॉई सिटिंग इन बैंगलोर एंड मी फ्रॉम हियर इन पूना. सो इट्स वेरी इजी, काम भी आसानी से हो जाता है. यहाँ से किसी को बैंगलोर भेजो, काम करा के रहो, कॉन्स्टेंटली यू नीड समवन देयर. सो यू हैव रिमोट ऑफिसेज, हैव ऑफिसेज अक्रॉस एवरीवेयर इफ यू वॉन्ट, आइदर दैट वे और यू कैन हैव शेयरिंग बेसिस पे ऑफिसेज एंड स्मॉलर offices and you can just have a digital meeting. So this is the overheads कम करना. आपको fast delivery देना है तो Amazon या Flipkart, हमने article पढ़ा था याद है आपको कि how they are trying to increase the sale by giving one day delivery. How? उनकी हर जगह पे offices है. तो अगर महाराष्ट्र से order आता है, महाराष्ट्र की जो पास में वो सिटी के पास वाला जो ऑफिस है वहाँ से डिलीवरी होगा. अगर ऑर्डर दिल्ली से आ रहा है सो दिल्ली के पास जो ऑफिस है वहाँ से डिलीवरी होगा. सो लाइक दिस इट हैज़ ब्रांचेस. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. द मार्केट इज लाइक दैट, कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है. सो यू हैव टू हैव योर प्रेजेंस अक्रॉस एवरीवेयर. सो वन स्पीकर हाईलाइटेड द नीड फॉर रिमोट ऑफिसेज. मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स आर कंप्लीटेड बाय एम्प्लॉयज इन फार ऑफ प्लेसेस. तो अलग बैंगलोर में भी काम मेरा हो गया. कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेक्स इट पॉसिबल टू हैव फेस टू फेस मीटिंग्स विदाउट बींग फिजिकली प्रेजेंट. तो आप डेली रिपोर्टिंग भी ले सकते हो कि उसने आज उस बंदे ने क्या काम किया. बोले अरे बैंगलोर में चार स्टाफ रखा है, सिर्फ सैलरी दे रहे, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कैसे पता चलेगा. हैव अ मीटिंग, हैव अ वीडियो कॉल, हैव योर ऐप जहाँ पे आज उसने कितने लोगों से बात किया, किन से बातें हो गई है, किन की फाइल्स ली है, उनकी क्वेरीज क्या है, वो ऐप पे अपलोड कर दे. सो इट्स वेरी इजी. स्पीकर टू बेटर मीटिंग्स ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चरिंग मीटिंग्स फॉर प्रोडक्टिव आउटकम्स यूज डिजिटल नोट मेकिंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन कैलेंडर्स वाइड रेंज ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स. तो आपने ऑफिस का एक कैलेंडर बना दिया कि एवरी सैटरडे इज गोइंग टू बी अ रिव्यू, वंस इन अ मंथ वील हैव ट्रेनिंग सेशंस. खुद को अपग्रेड करना भी बहुत ज़रूरी है. सो यू नो नाउडेज यू कैन यूज़ दिस टेक्नोलॉजी थिंग्स जिससे आपका काम आसान हो जाएगा. मीटिंग्स आर मोर प्रोडक्टिव, एजेंडा निकलेगा, प्रॉपर कंक्लूजन्स आएंगे. सो यूज़ ऑल दीज टेक्नोलॉजीज विच विल हेल्प यू टू वर्क फास्टर इफेक्टिवली एंड प्रोडक्टिवली. कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालना, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाना अपनी. स्पीकर थ्री यूज़ ऑफ बिग डेटा. नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट इट. सो बहुत ज़्यादा डेटा है हमारे पास, अवेलेबिलिटी कितनी है. यूज़ द इन्फॉर्मेशन इन द बेस्ट ऑफ द वे. लाइक आई टोल्ड यू गूगल पे सर्च इंजिन्स है, यू पे ह्यूज अमाउंट्स टू जस्ट गेट सो मच ऑफ डेटा. कितने लोगों ने इस
टूर और ट्रैवल के लिए क्लिक किया, हॉलीडेज के लिए गूगल किया है, सो यू गेट अ लॉट ऑफ डेटा एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज मेल टू यू. फेसबुक ऑल्सो हैज, इफ यू गो थ्रू फेसबुक, इंस्टा, आपको कभी कभी कमर्शियल ये भी दिखते हैं. सो वहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, चेक करना कभी फेसबुक के वहाँ. स्पॉन्सर्ड मीन्स यू हैव पेड फेसबुक सम मनी एंड देन यू से ओके, फेसबुक आस्क्स यू. लाइक अगर हमें कोचिंग से रिलेटेड बताना है, पेन ड्राइव के बारे में बताना है, तो हम ऑडियंस सिलेक्ट करते, वी वॉन्ट महाराष्ट्र, वी वॉन्ट स्टूडेंट्स, एज ग्रुप इज आस्क्ड, देन विल गिव द एज ग्रुप एंड फेसबुक विल ऑटोमेटिकली आपके न्यूज़ फीड में वो इन्फॉर्मेशन आती है और वहाँ पर लिखा हुआ होता है स्पॉन्सर्ड. या आप YouTube पे कभी लेक्चर क्लिक करने जाते हो, लेक्चर देखते हो, देयर इज कंपल्सरी अ फ्यू सेकंड्स का ऐड आता है, तो आपको वो देखना पड़ता है, आप देखते हो, फिर आपको ऐड इंटरेस्टिंग लग गया तो शायद आप पूरा देख लोगे, कुछ नया लगा, अलग लगा. सो दीज आर ऑल वेज ऑफ यूजिंग इट, सो यू हैव टू यूज ऑल दीज मीन्स. नाउ डेज वी हैव लॉट्स ऑफ दीज मीन्स अवेलेबल, दैट्स वॉट स्पीकर फोर इज टॉकिंग अबाउट. पर्सनलाइजेशन ऑफ मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स, डिलीवरिंग द राइट कंटेंट, द राइट एड्स टू द इंडिविजुअल्स इन योर ऑडियंस. सो ये सब आपको करना पड़ेगा सो दैट योर बिजनेस इज प्रॉफिटेबल. नहीं तो नेक्स्ट 10 ईयर्स की बात करनी है, आज के बाद जमाना आगे किधर होगा, शायद आज के बाद हम 10 साल में आई डोंट थिंक वील हैव अ लाइव क्लास और समथिंग लाइक दैट. स्टूडेंट्स में नॉट इवन वॉन्ट टू कम आउट ऑफ देयर हाउसेज, मे बी वी आर टीचिंग फ्रॉम अ होम एंड वी हैव अ सैटेलाइट और यू हैव एन ऐप एंड थ्रू विच यू कैन वॉच अस. नाउ हु हैड एवर थॉट वील हैव समथिंग लाइक बायजूस कमिंग अप. नाउ स्कूल गोइंग किड्स और प्री स्कूल के लिए बायजूस आ गया है, सो देयर इन दे कैन जस्ट सिट एट होम एंड दे कैन वॉच. हैड वी एवर थॉट वी वुड बी स्टडिंग लाइक दैट, वी हैड इन थॉट. सो दिस इज वॉट यू हैव टू थिंक अबाउट, नॉट टूडे, बट यू हैव टू थिंक अबाउट वॉट इज गोन हैपन 10 ईयर्स फॉरवर्ड. क्वेश्चन आंसर सेशन होता है नॉर्मली एंड देन लास्ट में आता है वोट ऑफ थैंक्स बाय द ऑर्गेनाइजर. जो स्पीकर्स हैं उनको आप थैंक्स बोलोगे कि उन्होंने उनका वैल्यूएबल टाइम निकाल के यहाँ पे ऑडियंस को एनलाइटन किया, ऑडियंस अप्रिशिएटेड देयर टॉक एंड एवरीबडी टुक होम अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन विद देम. सो इट वॉज अ इवेंट, वॉज अ सक्सेस, ऐसे कंक्लूडिंग आपको बताना पड़ेगा. सो दिस वॉज एन वॉट, रिपोर्ट राइटिंग ऑन वॉट, सेमिनार, सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ, उसका रिपोर्ट आपको आपके न्यूज़लेटर में देना पड़ता है. न्यूज़लेटर इज अ स्मॉलर मैगजीन विच इज सर्कुलेटेड अमंग्स दैट ऑर्गेनाइजेशन. जैसे आप स्कूल में होते थे, स्कूल का क्या होता था प्रिंट, स्कूल में आर्टिकल्स नहीं आप देते थे, स्कूल में क्या होता था, स्कूल की मैगजीन ही होती ना, स्कूल मैगजीन में आपका आर्टिकल या कुछ प्रिंट होता है, तो स्कूल की मैगजीन एक साल में एक बार. तो वैसे न्यूज़लेटर्स होते छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के, अपने अपने न्यूज़लेटर्स होते हैं. सेकेंड, लेट्स रीड सेकेंड. You are the cultural society president, so you are handling the cultural department basically. You are the cultural society president of your college. The principal of your college, Mr. Subhash Kapoor, feels that in the increasing westernized world, the student should not lose touch with their culture and values. He has asked you to suggest ways and means to familiarize the students with the great aspects of Indian culture. Prepare a report in 150 to 200 words for the principal. So, report kiske liye ban rahi hai? Principal ke liye. Kaun bana raha hai? Tum bana rahe ho. Aur tum kaun ho? President of cultural society, society president ho. Okay. You have to suggest the areas that could be covered. And ways and means to be introduced into college life. Hints, select areas and methods that appeal to youngsters. So you could have a concert. Concert mein you could have, aise type ka jugalbandi type hota hai na. So modern versus westernized. So something like that. You have to introduce them to the new culture. Folk dances honge. Only folk they may not enjoy. You have to see ki youngsters ko kya appeal karega. तो इस टाइप का आपको रिपोर्ट बना के प्रिंसिपल को देना पड़ेगा. ये जो रिपोर्ट बनेगा ये न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा क्या? नहीं, ये फॉर्मल काइंड ऑफ रिपोर्ट बनेगा. ये कौन सा होगा? फॉर्मल रिपोर्ट, जो हम सिर्फ किसको देंगे? प्रिंसिपल. उसके बेसिस पे प्रिंसिपल डिसाइड करेगा कि क्या हमें करना है, कल्चरल इवेंट रखना है क्या, एग्जीबिशंस रखने हैं क्या, कैन वी हैव सम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फोर डेज सम पेंटिंग इज देयर, पेंटिंग भी नॉर्मल पेंटिंग नहीं, सम काइंड ऑफ ट्रेडिशनल पेंटिंग दैट वी यूज टू डू, वर्ली आर्ट इज देयर, सो मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग्स, वी हैव बाटिक इज देयर, इतनी अलग अलग वैरायटी है. तो आप उसका कोई एग्जीबिशन रख दो, उसका ट्रेनिंग रखो, 2 दिन का प्रोग्राम रखो, स्टूडेंट्स को बोलो यू पार्टिसिपेट इन दिस,
यू नो, देन दे विल गेट एन आइडिया, ओ दिस इज ऑल्सो नाइस, इट्स अ गुड थिंग. इस टाइप का आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा. सो लेट्स रीड अबाउट इट. देखा यूज फॉर्मेट कौन सा, फॉर्मल रिपोर्ट का, क्योंकि ये रिपोर्ट ना तो कहीं न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा ना तो मैगजीन या न्यूज़लेटर में. ये रिपोर्ट जा रहा है डायरेक्टली प्रिंसिपल को सो दैट ही कैन टेक सम एक्शन. सो इट इज़ अ फॉर्मल. तो फॉर्मल रिपोर्ट में स्टूडेंट्स कंपल्सरी होता है टू, किसके लिए रिपोर्ट है यहाँ पे आप लिख दो. ए फॉर्मल का जरा फॉर्मेट टर्न करो, दो फॉर्मेट से फॉर्मल के जल्दी देखो, मैं नहीं बताने वाली सब कुछ. चलो देखो जरा टर्न करो फॉर्मेट्स. ये देखो, कैन यू राइट इट लाइक दिस, हैव दे गिवन यू द नेम ऑफ द प्रिंसिपल. सी दिस इज अ फॉर्मल रिपोर्ट टू मिस्टर सुनील गुप्ता. सो नाउ यू विल राइट टू मिस्टर सुभाष कपूर प्रिंसिपल. एंड रिपोर्ट किससे, फ्रॉम, फ्रॉम नाम नहीं पता, कुछ नहीं दिया है, तो एक्स वाई जेड प्रेसिडेंट ऑफ कल्चरल सोसाइटी. डेट एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या दिया है वहां पर रिपोर्ट में देखना. गेटिंग द स्टूडेंट्स फेमिलियर टू द कल्चर, कल्चर एंड इंडियन कल्चर एंड इंडियन वैल्यूज. बरोबर, यस. आपको अगर किसी ने मदद किया रहेगा एक्नॉलेजमेंट तो आप बोल सकते हो, बट रिपोर्ट इतनी कोई बड़ी नहीं है, किसी की मदद नहीं लगेगी, आप खुद से उतना एक रिपोर्ट बना सकते हो. राइट नाउ राइट डाउन हियर ओनली. इधर ही लिखो, स्टिकी नोट्स पे लिखना है क्या, किधर लिखने वाले हो तुम लोग. टू, नाम क्या है प्रिंसिपल का, नाम बताओ. अयो कौन है, कैसे रहे तुम लोग बच्चे ऐसे. लिखो, चलो चलो जल्दी करो. टू मिस्टर सुभाष ही है, हाँ सुभाष कपूर प्रिंसिपल. From, ए सीधा स्टिकी नोट लेके करो, अगर तुमको अच्छे से नहीं लिख रहे ना, मेरे को नहीं ऐसे एक टू इधर है फ्रॉम उधर है, क्या फॉर्मेट समझेगा. स्टिकी नोट निकालो और अच्छे से लिख के लो. हाँ चलो जल्दी करो, ऑफकोर्स निकालो मतलब निकालो और लिखो मतलब लिखो. यस लिख फ्रॉम, हाँ लिखो बैक पे भी लिखना तो लिखो. एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कौन है रे, ही इज द प्रेसिडेंट. उसके बाद डेट, क्या डेट है आज का, फेमिलियराइज. आपको जो सब्जेक्ट है ना आपके क्वेश्चन में से ढूंढ के निकालना है. क्वेश्चन में आपको क्लियरली दिया रिपोर्ट किस चीज पे लिखना है, देखो आप ढूंढ के बताओ. मैं जो लिख रही हूं वो देखो कहां लिखा हुआ है, बीसीआर की बुक में ही होगा ना. हाँ
टू फ्रॉम प्रेजेंटेशन में पता है ये सब चीजें वन बिलो द अदर, ये जो मैंने कोलन दिए ना ये सब एक के नीचे एक आने चाहिए, दैट इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन। टू के बाद मैंने कोलन दिया, फ्रॉम आपने, यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली, प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स। यू कैंट राइट लाइक दिस टू, फिर आप यहाँ पे ऐसे फ्रॉम, फिर ऐसा नहीं नहीं ये ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता, प्रॉपर प्रेजेंटेशन। सी इफ यू राइट टू देन यहाँ पे फ्रॉम, थोड़ा सा ये स्पेस देके इस तरीके से लिखना चाहिए सब, वो कोलन एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। मैथ्स में इक्वल टू साइन देते हो, एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, गुड प्रेजेंटेशन यू शुड डू। डन है क्या, लिख के हो गया? डन। ओके, पे अटेंशन नाउ, लेट्स रीड व्हाट दे गिविंग। पहले तो बोला यूज फॉर्मल रिपोर्ट, तो फॉर्मल रिपोर्ट में तुमने इधर ही मार्क्स लिख दिए ना, और फिर रिपोर्ट भले थोड़ा शॉर्ट लिखोगे इधर ही आपको मार्क्स आ गए, क्योंकि बच्चों ने बहुत ये सब्जेक्ट अगर पढ़ा ही नहीं होगा उनको पता ही नहीं है तीन टाइप की रिपोर्ट से कौन सा टाइप का रिपोर्ट किधर देना है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब रिपोर्ट जाता है कहीं पब्लिश नहीं होता है वो फॉर्मल बनता है, जब न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है इट इज न्यूज़पेपर रिपोर्ट, और जब किसी मैगजीन या न्यूज़लेटर में पब्लिश होता है इट इज अ मैगजीन रिपोर्ट। नाउ यूज अ फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल रिपोर्ट, स्टेट द प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, दैट स्टूडेंट्स आर अनफेमिलियर विद इंडियन आर्ट फॉर्म्स, मेंशन एरियाज विच विल ग्रैब द अटेंशन लाइक डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, सो यू कैन हैव अ कल्चरल प्रोग्राम, अ कल्चरल वीक कैन बी सेलिब्रेटेड, सो यू कैन से कि स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर, वी डोंट वॉन्ट देम टू लूज टच विद द इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स, सो वी कॉलेज शुड प्लान अ वन वीक, यू नो अ कल्चरल वीक, कल्चरल फेस्टिवल, समथिंग लाइक दैट। यस, देन ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को क्या अच्छा लगेगा, उनको ये पढ़ाई के फॉर्म में बताया तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, ये आप उनको आर्ट, डांस, म्यूजिक, पेंटिंग के फॉर्म में बताओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गिव सजेशंस, मेंशन एरियाज, ओके, गिव सजेशंस, एक्सपोज देम टू वेरियस फाइन आर्ट फॉर्म्स ऑफ इंडिया बाय ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल प्रोग्राम्स। व्हाट इज दिस वर्ड? जक्स्टापोजिंग, जक्स्टापोजिंग इज जुगलबंदी, मतलब दो कॉन्ट्रास्ट चीजों को बाजू बाजू में रखना, तो बच्चों को समझ में आता है। सी यू हैव टू हैव प्रोग्राम्स वेयर यू हैव बोथ द थिंग्स, यू हैव मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल, तो मॉडर्न इज समथिंग दैट दे लाइक, प्लस यू कैन फ्यूज इट, फ्यूजन काइंड ऑफ अ थिंग, अ मिक्सचर काइंड ऑफ अ थिंग, जो उनको फिर अपील करेगा। ओके, सो डू यू वॉन्ट टू राइट द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ दिस वर्ड जक्स्टापोज? जक्स्टापोज मतलब कॉन्ट्रास्ट थिंग्स आर केप्ट साइड बाय साइड, कॉन्ट्रास्ट थिंग्स आर केप्ट, लिखो जक्स्टापोज इज कॉन्ट्रास्ट थिंग्स आर केप्ट साइड बाय साइड, बरोबर, मतलब इंडियन कल्चर प्लस वेस्टर्न कल्चर, इसको आप फ्यूजन करके किसी को बोलो इसका डांस फॉर्म कुछ करे, सो दैट इज हाउ यू विल हैव मोर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग। होल्ड एग्जीबिशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स, ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशंस, एंड देन यू कैन से कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दैट दिस विल हेल्प अस टू ब्रिंग इन दीज वैल्यूज अमंग्स द स्टूडेंट्स, ये हमें हेल्प करेगा कि स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हो, एग्जीबिशंस रखेंगे, कॉम्पिटिशन्स होंगे, कल्चरल इवेंट होगा, सो इससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। सो ऐसा कंक्लूजन आपको देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करने का कि प्रॉब्लम किधर है, यही प्रॉब्लम है, उसके बाद उसका सोल्यूशन, आप क्या सोच रहे हो, और उसका कंक्लूजन। डू यू अंडरस्टैंड? डन। थर्ड, यू आर मिस्टर सुनील कौशिक, आपको नाम दे दिया है यहां पे, यू आर मिस्टर सुनील कौशिक द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट, सर्टेन एरियाज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर इंस्टीट्यूट, सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी होगा, लेबोरेटरीज होंगी,
कुछ ठीक नहीं है शायद इसके लिए है, नीड टू बी रीस्ट्रक्चर्ड एंड रीवैम्प्ड, मतलब पुराना हो गया है बहुत सालों से है, सो उसको रीस्ट्रक्चर या रीवैम्प करना पड़ेगा, नया लुक देना चाहिए, कहीं बिल्डिंग के बेंचेस फर्नीचर खराब हो गया है, कहीं वाटरप्रूफिंग की जरूरत है, सो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. तो आपको बोला गया है यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द मैटर, किसके लिए, फॉर मैनेजिंग कमिटी. तो मैनेजिंग कमिटी के लिए रिपोर्ट है, ये कहीं पब्लिश होने वाला है नहीं, तो ये कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे, फॉर्मल, ना तो ये न्यूज़लेटर में जाने वाला है ना तो ये न्यूज़पेपर में आने वाला है, सो दिस इज अ फॉर्मल रिपोर्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. आपको रिपोर्ट देना है कि स्पेसिफिक बिल्डिंग्स नीड अ फेसलिफ्ट, एरियाज दैट नीड अटेंशन, एग्जाम्पल फर्नीचर, ऑडिटोरियम खराब हो गया है, पुराना हो गया है, वहाँ का स्पीकर्स है, साउंड सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो नया भी आजकल अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग, कैफेटेरिया आपको अपग्रेड करना है, यूज़ द फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट. ये आपको लकीली दिया है, नहीं दिया होता तभी भी हम फॉर्मल रिपोर्ट फॉर्मेट ही यूज़ करते. तो टू किसको लिखोगे, टू मैनेजिंग कमेटी, मैनेजिंग कमेटी ऑफ ज्ञान ज्योति ज्ञान इंस्टीट्यूट, कुछ तो नाम है ना, ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट. रिपोर्ट इज फ्रॉम हुम, मिस्टर सुनील कौशिक, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट, एंड डेट एंड सब्जेक्ट, व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द टॉपिक हियर, सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. देन आपको सोचना पड़ेगा कि आर इंस्टीट्यूट इज देयर फॉर द लास्ट रीवैम्प और रेनोवेशन वी हैव डन इज सम 5 years और 8-10 years बैक, सो इट्स हाई टाइम दैट वी नीड. आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी, फॉर्मल रिपोर्ट का जो मेन कंटेंट है विल चेंज, आपको यहाँ लिस्ट देनी पड़ेगी, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स और वी हैव गॉन थ्रू एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, ये बिल्डिंग्स है, लेबोरेटरीज है, कैफेटेरिया है, यहाँ कुछ काम करना पड़ेगा, फर्नीचर खराब हो गया है इसको ठीक करना पड़ेगा. नाउ वी विल इफ़ वॉट एवर द मैनेजमेंट विल अप्रूव, देन आपको बाद में इसका कॉस्टिंग करना पड़ेगा, पहले मैनेजिंग कमेटी को बताना पड़ेगा कि ये रिक्वायरमेंट्स है. ओके, सो लेट्स रीड. यूज फॉर्मल रिपोर्ट, ये तो आपको पहले से ही पता है. स्टेट, अच्छा एक मिनट यहाँ पे भी फटाफट लिख के लो, मैं नहीं लिखने वाली अभी, तुम लिखो. हाँ लवकर क्या लिखोगे तुम, टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, बरोबर, चलो चलो अच्छे बच्चे जल्दी लिखो. हो गया 10-15 मिनट है और लेक्चर, कितना जल्दी लेक्चर खत्म भी हो जाता है हमारा. क्या बोलता है, बातें मत डिस्टर्ब मत करो, चलो लिखो जल्दी. बास रे बात मत कर तू कुंदन. कुंदन ही है ना उसका नाम, मैंने गलत बोला क्या कुछ. चल बात मत करना, तू लिखना, तू क्यों बात कर रहा है. हाँ ठीक है, उसको समझ में आ गया, उसको लिखने दो अभी. मैनेजिंग कमेटी, नो देव गिवन, यू आर गिविंग अ रिपोर्ट टू मैनेज, कितना क्लियरली दिया रे, देख इधर. नहीं मैनेजिंग मैटर फॉर मैनेजिंग कमेटी, कितना क्लियरली दिया है. मैं तो लिख रही हूँ बाबा, तुम लोग लिख रहे क्या. टू मैनेजिंग कमेटी ऑफ वो जो कॉलेज का नाम है लिख दो, ज्ञान ज्योति इंस्टीट्यूट, सेकेंड लास्ट बेंच, स्टॉप टॉकिंग. हाँ ये कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है ना. और उसके बाद
सब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट ही है क्या? सब्जेक्ट क्या लिखोगे? You are asked to prepare a report for the manager stating the specific buildings that need facelift and areas. Okay. Or restructuring of infrastructure. Use the words that are given to you. Restructuring, restructure या revamping word दिया है ना? So use that word. Restructuring of infrastructure. ये देखो यहाँ दिया है आपको. मिला क्या? ढूंढो किधर है देखो. ये देखो. Certain areas need restructuring of infrastructure, right? So restructuring of infrastructure. Come on, आगे. All so what is given? Identify the buildings. Then some buildings need whitewashing and painting. Painting भी खराब हो गया तो लगभग सारी buildings का आपको painting करवा के लेना पड़ेगा. Then administrative block में even कुछ furniture की जरूरत है. आपका जो college होता है उसमें अलग अलग blocks होते हैं. There's a admin department, there's a laboratories are there, architecture building is there. अलग अलग buildings या departments होते हैं. School of architecture building, washrooms need to be redone. Engineering college है. Labs, laboratories need remodeling, latest equipment. Mention the time required and then you give the concluding statement. That time required आप बोल सकते हो कि लगभग एक छः आठ से नौ महीने लग जाएंगे restructuring के लिए. और concluding statement that if this is approved, our institute will definitely get a new look and there will be a facelift and it will help the students also, right? तो इससे हमारा फायदा ही होगा. Students will enjoy working here and it will also build, you know, ki ha ye institute hai, it's all well maintained and very nice, so it is good for our popularity of the institute also, right? Question 4. You are Reena Singh, a reporter of the Times of India. Write a report on a fire in slum cluster in Silampuri in 150 to 200 words. Okay, so some place. So did you get the place? Yes. Do you have the date? Yes. ये कौन सा रिपोर्ट का फॉर्मेट यूज करोगे? न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर में मैंने बोले थे 5 पॉइंट्स. पहला टाइटल, ऑथर, प्लेस, डेट, कंटेंट्स. और कंटेंट्स में कहीं कहीं आपको कोटेशन. तो यू कैन से दैट एक स्लम की यहाँ अ पर्सन लिविंग इन द स्लम. Person residing in the slum, उसके पास तुम गए, इंटरव्यू लिया. He said, अचानक से हमारे यहाँ fire broke at so and so time. I was asleep. I could hear neighbors shouting and people shouting, and that is how I came out of my house. And then I came to know there was lot of destruction. सुनो, slum में आग लगी है. एक आपको उसका reason या cause देना पड़ेगा. कितनी कैजुअलिटीज हुई, कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट किए गए. एंड देयर इज अ डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी हैज कम. फायर कब बुलाया गया, फायर ब्रिगेड कब बुलाया गया, ये सब आपको कुछ डिटेल में देना पड़ेगा. पहले जो इंस्टीट्यूट ने दिया है वो देखेंगे. जो मैंने आर्टिकल्स आपको दिए ये हाईली प्रोफेशनल एंड एक्चुअल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है. यहाँ तक हमें कुछ टाइम लगेगा, इतना बड़ा हमें नहीं लिखना है. ये सिर्फ आपको सैम्पल करके मैंने आज डिस्ट्रीब्यूट किया है. फर्स्ट न्यूज़पेपर फॉर्मेट. ओपनिंग स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, फायर डिस्ट्रॉइंग द एंटायर स्लम. अ फायर डिस्ट्रॉइंग द एंटायर स्लम ब्रोक टुडे मॉर्निंग एट 5 AM. द कॉज कुड बी ड्यू टू ब्लास्ट ऑफ अ गैस सिलेंडर, राइट? एंड और यू कुड से इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम. लिसन 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 गाइज, everybody there, stop talking. Shh. Last that particular bunch of boys, please be quiet, no talking please. The probable cause could be a gas cylinder ka blast or it could be a short circuit, right? Then you have to ki itni ki casual. Fir se kaun baat kar raha hai abhi? Just maine bola stop talking. Itni casualties hui hai, itne logo ko hospital se shift kiya, itne log injured hai, rest are safe.
lot of children, women were moved out of it and they are all been located to a some different place. और नुकसान कितना हुआ properties का, लोग इतने नहीं मरे फिर भी casualties इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके जो सारे घर है, of course slum में shacks आग spread क्यों होती है, एक तो घर बहुत छोटे होते हैं, पास पास में होते हैं और कच्चे घर बनाए जाते हैं like shacks या huts होते हैं. आजकल of course पक्के घर भी होते हैं but they're all very close by, so one cylinder blast it leads to another and leads to another. Of course यहाँ पे पुणे में वेरी रिसेंटली अभी हुआ था, संचेती हॉस्पिटल पता है क्या आपको? तो उसके वहाँ जो स्लम्स थे वहाँ हुआ था. ऐसा बोला जाता है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज प्लान्ड बिकॉज अ बिल्डर वॉज आइंग और वॉज लुकिंग एट दैट स्लम प्लेस, ही वॉन्टेड दैट फॉर, एक बार स्लम लोग आके रह गए तो वो उन्हीं का हो जाता है, खाली करवाना बहुत मुश्किल होता है, तो ये कुछ तरीका यूज़ किया था ऐसा बोला जाता है. आई डू नॉट नो हाउ ट्रू इट इज, दीज वर जस्ट रूमर्स एट दैट टाइम ऑफकोर्स. ओके, कॉज शॉर्ट सर्किट हो सकता है, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है. टाइम द फायर स्टार्टेड इट स्प्रेड रैपिडली, 500 फैमिलीज लॉस्ट देयर बिलोंगिंग्स, नो रूफ ओवर देयर हेड, 10 people sustained burn injuries, others lucky to escape, people seeking help or compensation from the government. Right? Right. Now, afterwards I look at the article, I think मैंने slum fire पे ही आपको article दिया है newspaper का, तुरंत पूरा ही ऐसा लिखना है ऐसा जरूरी नहीं है, ये बहुत high और professional level का है. Proper reporter writing it in the newspaper is totally different, we are just learning to do that. देखना है आपको article पहले. टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम आ गया, प्लेस, फायर ब्रेक्स आउट इन स्लम क्लस्टर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, शांति, दीज आर कच्चे घर बोलते हैं, मतलब या तो शैक या तो घर, झोपड़े बोलते हैं ना वैसा टाइप, सो दैट इज द मीनिंग. सो दीज आर शैक्स और हट्स, बट नो कैजुअलिटी, गटेड मतलब पूरे जल के खाक हो गए. ओके, अ मेजर फायर ब्रोक, देखो कब हुआ, मंडे आफ्टरनून, प्लास्टिक एंड अदर मटेरियल वर गटेड इन फायर, दो नो कैजुअलिटीज, इट टुक 9 फायर टेंडर्स टू डाउस द फ्लेम, मतलब ये आग बुझाने के लिए लगभग 5-6 घंटे लग गए, फायर ब्रिगेड आ गई. तो आपको ये जनरली इस तरीके से यूज करना है और बताना है. एट अराउंड 1:45 वी रिसीव्ड अ कॉल दैट फायर हैज ब्रोकन आउट इन स्लम, देन वी डिस्पैच्ड 4 to 5 टेंडर्स टू द स्पॉट, चीफ फायर ऑफिसर, सी क्या यूज किया है यहाँ पे, प्रैक्टिकली देखो क्या यूज किया है, अपोस्ट्रोफी, डायरेक्ट स्पीच, ये आपके न्यूज़पेपर रिपोर्ट में होना ही चाहिए. सो यू कैन से द चीफ ऑफ द फायर ब्रिगेड सेड वी गॉट अ कॉल एट सो एंड सो क्लॉक एंड वी इमीडिएटली द फायर ब्रिगेड लेफ्ट फ्रॉम हियर, आर स्टाफ इज स्टिल वर्किंग ऑन इट, दिस इज वॉट हु सेड, द चीफ ऑफ द फायर ब्रिगेड सेड. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. कुछ नाम दे देंगे तो स्टोरी रियलिस्टिक हो जाएगी आपकी, तो कुछ नाम देना लोगों को, दैट विल बी यू नो क्रिएट नेम्स, क्रिएट कैरेक्टर्स, इट मेक्स मोर रियल रियल इफेक्ट आता है उसको. बट ड्यू टू विंडी कंडीशन इट बिकेम डिफिकल्ट टू कंट्रोल द फायर, वी सॉट वन फायर टेंडर फ्रॉम नोएडा एंड द अनदर फ्रॉम भूषण स्टील, देन आई थिंक द रेस्ट इज ओके. यहाँ पे देखेंगे किसी रेसिडेंट, सविता देवी, अ रेसिडेंट सेड शी वॉज इन द स्लम, Savita Devi said she was in the slum where the fire broke out. I heard about 7 blast. Student short circuit होने के बाद क्यों तुरंत fire spread होती है? Because of the cylinder blast. So she heard around 7 blast caused by the LPG cylinders, burning debris falling all over the shanties. I moved out safely along with my family members. Added Devi Sandeep, another resident. Added Devi. ऐसे खत्म हो गया. Then Sandeep, another resident, says this is the 4th incident of fire in 1 last year. तो दो, मैंने आपको क्या बोला था, न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग में दो quotes तो डालना, तभी वो प्रॉपर आपको मार्क्स मिलेंगे. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो हमने 5 स्टेप्स लिख के लिए है ये वैसे भी.
अच्छा मैंने आपको जस्ट मैंने देखा नॉर्मली न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज ओवर सम कैजुअलिटी, फ्लड के ऊपर है, अर्थक्वेक के ऊपर है, तो मैंने एक अर्थक्वेक का भी आपको न्यूज़पेपर का आर्टिकल दे दिया है, फिर आप बाद में एक बार इसको पढ़ लेना। तो नॉर्मली कैजुअलिटीज कितनी हुई, कैसे पता चला, क्या हुआ, ये सब आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। आई वॉज सर्चिंग एंड ट्राइंग टू गेट न्यूज़पेपर का ही लुक आए, इसीलिए वैसे ही आपको आर्टिकल्स ढूंढ के मैंने किए हैं प्रिंट, राइट। नाउ कमिंग बैक, लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन आर रिपोर्ट राइटिंग, लास्ट क्वेश्चन, यू आर अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर, मैंने ये भी आपको स्पोर्ट्स का भी रिपोर्ट दिया, परसों की मैच का ही दिया है मैंने, आई थिंक सो, जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज वॉज गोइंग ऑन, उसी का दिया है क्या, चेक करना, मैंने उसी का दिया है ना, राहुल पंत का ही है ना, कि कौन था तभी मैन ऑफ द मैच, कौन था, हु वॉज द जाधव एंड राहुल, ओके, यू आर अ स्पोर्ट्स, सुनो ना, केएल राहुल, ओके, यू आर अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर नेम अजय सिंह, राइट अ रिपोर्ट ऑन वन डे क्रिकेट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एट मेलबर्न इन 150 to 200 words, बराबर है क्या, आपको रिपोर्ट लगभग 150 से 200, सुनो ना, आप रिपोर्ट मत पढ़ो, जो टीम जीती वैसा नाम देना पड़ेगा, या समटाइम्स हारते हारते किसी एक प्लेयर ने टीम का पूरा चेंज कर दिया रिजल्ट, उस प्लेयर को फिर क्रेडिट देके हेडलाइंस देनी पड़ेंगी, आपको फिर बोलना पड़ेगा कि टॉस किसने जीता, यू विल हैव टू स्टार्ट विथ दैट टुडे, ये जो सीरीज चल रही है, ओडीआई सीरीज है, वनडे सीरीज है, जो भी सीरीज है, कुछ एक सीरीज को नाम देके बोलना, ये जो मैच हुआ ये यहाँ यहाँ खेला जा रहा है और आज टॉस ये हुआ, उसके बाद टॉस वॉज वन बाय इंडिया, इंडिया चोज टू बैट, देन यू कुड जस्ट से विराट केम इन, विराट चोज टू बैट एट दैट टाइम, एंड देन कितने ओवर्स पहले किसने बैटिंग किया, कितने रन हुए, फिर आप बोल सकते कि बॉलर्स बीच में थोड़े से स्लो पड़ गए, देन दे बाउंस बैक, दे टुक विकेट्स, so you know you will have to use all this terminology little bit and write a report on the match. So here I'll read it from the institute, use newspaper format. In newspaper format manje kya hai, kya kya dena padega, bolo kya kya dena padega, title, author, place, main akele likh rahi hu, mera exam ho chuka hai, main clear ho chuki hu, आपको एग्जाम लिखना है, आप लिखो, ये 18 साल हो गए, यस, क्या रे, रैंक आया था इंटर एंड फाइनल, इंटर आई माय रैंक वाज 25th एंड फाइनल आई वाज 33rd, बट दिस वाज 18 इयर्स बैक, एग्जैक्टली जैन 14 मेरा रिजल्ट आया था, जैन 14 2002 वॉज माई रिजल्ट, सो इट्स जैन, अभी तो 2020 चल रहा है, सो एग्जैक्ट 18 ईयर्स बैक, हाँ अभी भी मेरा टाइम है, क्यों मेरा टाइम गया, बिल्कुल नहीं, इट्स समथिंग दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू, इट्स एन अचीवमेंट दैट नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम यू, इट ऑलवेज रिमेन्स विथ यू फॉर योर लाइफ लॉन्ग, ओके, टाइटल, ऑथर, प्लेस, फोर्थ क्या है, डेट, और आप अभी इसमें एक्चुअली देखेंगे, इसमें किसी के कोट्स होंगे क्या, किसका कोट देना पड़ेगा यहाँ पे, तो क्या आप बोल सकते हो मैच के बाद जब विराट को पूछा गया व्हाट डिड यू फील अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेयर, ही सेड दैट द बॉयज रियली प्लेड वेरी वेल, और जो भी इनका नॉर्मल पेटेंट डायलॉग होता है वो आप डाल देना, एक है ना, व्हाट डिड द कैप्टन से अबाउट इट, और ही कैन से नो द ऑसीज रियली और द ऑस्ट्रेलियन टीम रियली प्लेड वेरी वेल एंड गेव अस अ टफ कॉम्पिटिशन, दिस इज द विराट वॉज हर्ड सेइंग आफ्टर द मैच गॉट ओवर, ऐसा आपको कोट्स देने पड़ेंगे उधर, बरोबर ना, पर्सनल क्वेश्चंस आर नॉट टू बी आस्क्ड, ओके, यूज न्यूज़पेपर फॉर्मेट, स्टेट द नेम ऑफ द टूर्नामेंट, जो भी नेम टूर्नामेंट या सीरीज है, एक्साइटिंग मैच विद नेल बाइटिंग फिनिश, मेंशन हु वन द टॉस एंड बैटेड फर्स्ट, परफॉर्मेंस ऑफ की प्लेयर्स इन बोथ द टीम्स, रीजन फॉर विक्ट्री ऑफ द विनिंग टीम, तो व्हाट वाज द चेंज और द गेम पॉइंट जहां चेंज हो गया, या उनके विकेट जल्दी चले गए, या इंडिया ने बहुत अच्छा स्कोर किया जिसको चेस करना बहुत मुश्किल था, ऐसा आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा, सो फॉर योर रेफरेंस आई हैव गिवन यू अ रिपोर्ट, किधर गया, क्या हुआ रे,
तो ऐसा लिखेगा तो क्या होगा फिर? राहुल कुलदीप स्टार एज इंडिया लेवल सीरीज. नॉट वेरी क्लियर टू रीड, कैन यू रीड ओवर? द टू गेम चेंजिंग मोमेंट्स वर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियाज विन. फर्स्ट वॉज के एल राहुल्स 80 at a strike rate of 154, batting in a new role at number 5. Okay. The second came in at 38th over of Australia when Steve Smith was bowled by Kuldeep Yadav. So these were the two turning points. So आपको थोड़ा सा इस मैच के बारे में आपको mention करना पड़ेगा. Is that clear to everybody? Yes. मैं वो report writing का दे दूँ क्या? खत्म कर दे क्या? क्यों? कल कैसे रहे तुम लोग? सी ना हाउ यू ऑल आर. आई थॉट फिनिश हो जाएगा. कल करूं, अभी दे दूं? पांच से ज्यादा नहीं लगेगा, चार मिनट में खत्म हो जाएगा. अच्छे बच्चे हो, लिखते हो क्या अभी? ओके All right then, students, I'll see you tomorrow at our regular timing. Thank you.